अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा एंड यहाँ पर विक्की आकर के पूरे गोकुलधाम साइट के सामने माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बार टप्पू सेना ने या किसी ने भी सारी मुसीबतें अपने ऊपर झेल ली, लेकिन कभी भी यहाँ पर छापरी सेना या फिर विक्की का या फिर किसी का भी नाम नहीं लिया कि वो चेक कहाँ से आया था। ये सारी बात यहाँ पर विक्की और उसकी सोसाइटी को बचाने के लिए इतनी काफ़ी थी। और दोस्तों, अगर यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी इस बात का जिक्र कर देती तो पूरी सोसाइटी जो विक्की का था वो पूरा बदनाम हो जाता और जिस जंग के लिए वो लड़ रहा था वो सारा कुछ नाश हो जाता। लेकिन गाइस, यहाँ पर अभी एक नई स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। विक्की को यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी माफ़ कर देगी, जिसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर बाघा और जेठालाल होने वाले हैं दोस्तों दुकान पर। और गाइस, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कोई भी कस्टमर अभी नहीं आ रहा है। और गाइस, यही रीज़न होता है कि जेठालाल यहाँ पर परेशान होने वाला है कि आखिर कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, अब कौन सा नया धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, नई स्टोरी कौन सी आने वाली है, आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड धमाकेदार भी रहेगी दोस्तों। इसी वजह से आप सभी मिस मत करिएगा देखना।